वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए ये जो वीडियो है ये आपका शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपने बहुत पढ़ लिया तो आप खुद का मूल्यांकन जरूर करिए। देखिए ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। और मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं इनके अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मेरा चैनल पर 3 वीडियो पड़ी हुई हैं। एक जो आपकी पड़ी हुई है ऐसी बाल मनोविज्ञान की है, एक आपके शिक्षण कौशल की भी है, और एक आपकी है परिभाषाओं की भी। मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, मतलब जितने भी राइटर ने परिभाषाएँ दी हैं, जो मतलब जो कथन है उनके, मैंने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो अगर आप इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत डीपली पूछा जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने इससे पहले हिंदी के भी मॉक टेस्ट बनाए थे और आपके साइंस का भी मॉक टेस्ट था, तो अगर आपको उसको भी देखना है तो आप मेरी वीडियो में जा सकते हैं। मैंने स्पेशल शिक्षक भर्ती के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले पेन कॉपी ले लीजिए और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रेरणा कार्य करने को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, यह कथन है। देखिए इसमें मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आपको पता है कि आपकी लिखित परीक्षा है, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर इस परिभाषा का आंसर आपको आता है तो आप टिक करिए वरना आगे बढ़िए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आपका ये नंबर गया। ठीक है, क्योंकि उसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको कि आप उसमें टिक कर लीजिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है गुड। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है, गुड की। देखिए मैं फिर आपसे बोलूँगा कि अगर आपको परिभाषाएं नहीं याद हैं तो आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें सारी परिभाषाएं ले रखी हैं, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। नेक्स्ट क्या आपका, रुचि में निहित होते हैं, क्या रुचि में निहित होते हैं, तो क्या रुचि में निहित क्या होता है, मनोरंजन, अवधान, प्रेरक शक्ति या अनुभव। क्या रुचि में निहित होते हैं, मनोरंजन, अवधान, प्रेरक शक्ति या अनुभव। आप अपना आंसर एक वर्ड में बताइए कि क्या है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अवधान। ठीक है, रुचि में निहित क्या होते हैं, अवधान निहित होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है, क्या इंटरेस्ट शब्द का अर्थ है दूर रहना, विचार करना, लगाव या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है लगाव। ठीक है, क्या है लगाव, इंटरेस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, लगाव करना। नेक्स्ट क्या आपका, औद्योगिकशीलता गुण है, क्या औद्योगिकशीलता गुण है तो चिंतन, तर्क, अवधान और रुचि का। तो आप इसका अपना आंसर टिक करिए कि क्या है। देखिए आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक वर्ड में आंसर देने होंगे, आपको बहुत सारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक वर्ड में इनके आंसर दें, लेकिन उससे पहले आपको ये आंसर आने चाहिए। तो क्या है, औद्योगिकशीलता का गुण क्या है, चिंतन का, तर्क का, अवधान का। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अवधान। ठीक है, औद्योगिकशीलता गुण क्या है, अवधान का। नेक्स्ट क्या आपका, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाने की विधि है, उपरोक्त कथन है। क्या रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाने की विधि है, उपरोक्त कथन है। तो ये क्या आपके ऑप्शंस में बी एन झा, मन, फ्रोबेल या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है बी एन झा। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाने की विधि है, तो ये जो कथन है ये किसका है, बी एन झा का है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, क्या अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, उपरोक्त कथन है। तो आपके ऑप्शंस क्या है, मैकडूगल, मन, अरस्तु और इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है मन।
ठीक है, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, ये कहा है मन ने। नेक्स्ट क्या है, अवधान केंद्रित करने की एक दशा है क्या, आंतरिक दशा, बाह्य दशा, यह दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर टिक करिए और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वह है आपकी बाह्य दशा। ठीक है, अवधान कैसे केंद्रित किया जा सकता है, बाह्य दशा से ही केंद्रित किया जा सकता है। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप टिक करते चलिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मैं बार बार बोलूँगा कि आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपका यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आपका, कितने वर्ष तक की अवस्थाओं में बच्चे का मानसिक विकास होता है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, 3 से 5 वर्ष तक, 2 से 8 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक या 6 से 10 वर्ष तक। आप अपने आंसर को टिक करिए और इसका आंसर मोस्टली लोगों को आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो आपने अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है 6 से 10 वर्ष तक के बालक। ठीक है, कितने वर्ष तक की अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास होता है, तो 6 से 10 वर्ष तक के बालक के। नेक्स्ट क्या में, निम्नलिखित में कौन सा एथनिक व्यक्तिगत से संबंधित है, क्या ये एक व्यक्तिगत का लक्षण है, तो क्या पतला, दुबला, लंबाई या उपरोक्त सभी। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, एथनिक व्यक्तिगत से संबंधित है, तो क्या संबंधित होता है एथनिक व्यक्तिगत से, दुबलापन। ठीक है, अगर आपने करेक्ट आंसर लगाया तो ठीक है, वरना आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पिकनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं, याद रखिएगा पिकनिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्तियों के लक्षण होते हैं, इसमें आपके ऑप्शन क्या, मोटे व कम लंबे, अधिक लंबे, मोटे या इनमें से सभी। तो आप अपना करेक्ट आंसर लगाइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वह है मोटे व कम लंबे। ठीक है, पिकनिक व्यक्तित्व जो है व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण होते हैं क्या, मोटे और कम लंबे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, किस अवस्था में बालक की सीखने की गति बहुत तेज होती है, क्या किस अवस्था में बालक की सीखने की गति बहुत तेज होती है, तो आपके ऑप्शंस में है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या पौढ़ावस्था। आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में बालक की सीखने की गति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट क्या आपका है, शिशुओं में आत्म प्रेम की भावना अधिक प्रबल होती है, यानी शिशुओं में कब आत्म प्रेम की भावना जो होती है बहुत अधिक होती है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या बाल अवस्था में। तो आप इसका ऑप्शंस बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, शिशुओं में आत्म प्रेम की भावना जो अधिक होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था में। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहूँगा, आप सब क्वेश्चन को याद रखते ही और लिखते ज़रूर जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। देखो जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, उपरोक्त कथन है, ये किसका कथन है, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर को टिक करिए और इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है आपका वुडवर्थ। ठीक है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है, ये वुडवर्थ जी ने कहा है। नेक्स्ट क्या आपका, पुरस्कार एवं दंड संबंधित हैं, क्या पुरस्कार एवं दंड संबंधित हैं, सकारात्मक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या स्वाभाविक प्रेरक या कृत्रिम प्रेरक। तो आप इसमें अपना आंसर टिक करिए और इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा स्वाभाविक प्रेरक। ठीक है, ये ना सकारात्मक होता है, ना ये अर्जित होता है, ना ये कृत्रिम होता है, ये होता है स्वाभाविक प्रेरक। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, क्या प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, क्या मूर्त विषयों में रुचि, मंद बुद्धि बालक को में रुचि या समान अध्ययन में रुचि या दैनिक कार्य में समरूपता। आप अपने आंसर को टिक करिए और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया था कि नहीं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है लगभग लोगों का गलत होगा, ये मुझे पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है,
सामान्य अध्ययन में रुचि, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? सामान्य अध्ययन में रुचि। नेक्स्ट क्या है? अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? क्या अपने देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? आप अपने ऑप्शन को टिक करिए। आपके ऑप्शंस क्या हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है आपका मंदबुद्धि बालक, ठीक है। अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है मंदबुद्धि बालकों को। नेक्स्ट क्या आपका? संवेगात्मक विशिष्ट बालक होते हैं, ख्याल रखिएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा कि आपने सही किया था कि गलत। संवेगात्मक विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक, मंदबुद्धि बालक या पिछड़े बालक। आप इसके ऑप्शंस जो पढ़ चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है बाल अपराधी बालक, ठीक है। संवेगात्मक विशिष्ट बालक होते हैं बाल अपराधी बालक। नेक्स्ट क्या आपका? बालकों में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है, बालकों में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है डांटना या उदाहरण देकर, सजा देकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपने आंसर को टिक करिए कि आप किस तरह, मतलब एक बच्चे की आदत को दूर कर सकते हैं चोरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो उदाहरण देकर, यानी आप एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दें या ऐसे किसी व्यक्ति का उदाहरण दें जो इस तरह की आदतों से दूर रहता है, ठीक है। तो आप उदाहरण देकर किसी बच्चे की इस आदत को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? देखिए, जो मानसिक रूप से जो समस्यात्मक बालक क्या है, देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन क्वेश्चन गलत लिख गया है। तो समस्यात्मक बालक है, याद रखिएगा, क्या समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शंस में क्या है? बड़ों का आदर करने वाले बालक, या चोरी करने वाले बालक, या प्रतिभाशाली बालक, या मेहनती बालक। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है चोरी करने वाले बालक। जी हाँ, समस्यात्मक बालक कौन कहलाते हैं? चोरी करने वाले बालक। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन जो है, अलग विद्यालय का स्थान किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? यानी ऐसे बालक हो जिनको अलग विद्यालय में अलग स्थान दिया जाना चाहिए, तो कौन हो सकते हैं? या आपके जो ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालक के लिए, पिछड़े बालक के लिए, मंद बुद्धि बालक के लिए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन में भी लोगों को बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन लगभग गलत होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो होगा पिछड़े हुए बालक, ठीक है। अलग विद्यालय का स्थान जो दिया जाता है वो पिछड़े बालकों को दिया जाता है, ना कि मंद बुद्धि बालकों को और ना ही प्रतिभाशाली बालकों को। देखिए, ये मोस्ट 20 ऐसे क्वेश्चन थे इन दोनों टॉपिक के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इस मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप मेरे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू।